हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज ब्रश पिज्जा की रेसिपी। रेडीमेड बेस के साथ चीज ब्रश पिज्जा आप कैसे बहुत ही आसानी से घर में माइक्रोवेव ओवन में बना सकते हैं कुछ घर में हुए रखे हुए सामानों से। आज आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने माइक्रोवेव ओवन में रेडीमेड बेस पिज्जा की रेसिपी शेयर करी है। उस रेसिपी को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे काफ़ी लोगों ने डिमांड भी की है कि आप चीज ब्रश पिज्जा की रेसिपी लेकर आएँ, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज़ ब्रश पिज्जा की रेसिपी माइक्रोवेव ओवन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये रेडीमेड बेस लिया है, ये अच्छे से बेक है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार लिया हुआ है। इसके साथ मैंने यहाँ पे अमूल की चीज़ ली हुई है, मोज़रेला चीज़ है ये। इसके साथ मैंने अमूल का चीज़ स्प्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर ये मैंने पिज्ज़ा और पास्ता सॉस वीवा का लिया हुआ है, आप और किसी कंपनी का ले सकते हैं। इसके साथ मैंने अमूल का बटर लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये देखिए मिक्स हर्ब्स लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है स्वीट कॉर्न, ये देखिए फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है। इसके साथ मैंने कुछ वेजीज़ ले लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कैरेट, कैप्सिकम और ओनियन। सभी को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले मैं स्वीट कॉर्न को 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी और सब्जियों को मैं सीजलर कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है या कढ़ाई, आपके पास जो अवेलेबल हो आप रख दें। कढ़ाई में हमें बटर डालकर अच्छे से इसको ग्रीस कर लेना है। हाई हीट पर वेजीज़ को हम सॉटे करेंगे। हाई हीट पर पकाने से ग्रिल जैसा स्मोकी फ्लेवर आता है। और इसमें नमक डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छे हमारी सब्जियों में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। लगभग 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको ढक के हम पका लेंगे। 2 मिनट के बाद इसको फिर से चला लेंगे हाई हीट पर और सब्जियों को हम बाहर निकाल लेंगे। कॉर्न को भी मैंने 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है, तो मेरे दोनों ये पक चुका है। अब मैं माइक्रोवेव को कन्वेंशन मोड पे 180 डिग्री के लिए प्रीहीट करूँगी। लगभग 4 मिनट के लिए मैं इसको प्रीहीट कर लूँगी। जब तक कि हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो रहा है, मैंने जो रेडीमेड पिज्ज़ा लिया हुआ है उसको मैं बीच से कट करूँगी। इस तरीके से नाइफ की हेल्प से इसको मैं आधा आधा काटूँगी। बहुत ही सावधानी से ये काम करना होता है, क्योंकि नहीं तो ये कट जाता है। ये देखिए मैंने 2 पार्ट में इसको काट लिया है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ स्प्रेड करूंगी। आप इसकी जगह पे चीज़ की स्लाइसेस भी रख सकते हैं। ये मेरा चीज़ स्प्रेड है, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था तो काफ़ी ये टाइट हो गया है। इसको इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा फैला दे रही हूँ। ये 1.5 चम्मच के करीब चीज़ स्प्रेड है मेरा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे चल के ये मेल्ट ही होना है। अभी मैं इसके ऊपर वाली लेयर जो मैंने कट करके आधा रखा था, इसके ऊपर अच्छे से लगा के प्रेस कर दूँगी इस तरीके से हाथों से। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बटर भी लगाया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये पिज्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। मैं 1.5 चम्मच के करीब पिज्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से इसमें लगा लेना है। मैंने जो वेजीज सॉटे करी हुई हैं वो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कैरेट, फिर इसके ऊपर मैं ओनियन लगाऊंगी, कैप्सिकम लगाऊंगी। आप कलरफुल कैप्सिकम भी ले सकते हैं, रेड और येलो भी आता है, मैंने यहाँ पे ग्रीन ही लिया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें सब्जियों को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दे रही हूँ स्वीट कॉर्न, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ जो ली हुई है अमूल की, वो इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। आप और किसी कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितना आपको पसंद हो चीज़ आप उतना डाल दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ही पसंद है तो ज़्यादा इसमें चीज़ डाल दीजिए। अब मैं इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स स्प्रेड कर रही हूँ। आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिक्स हर्ब डाल दीजिए। आप यहाँ पे ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स को डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अब मैं इसको कन्वेंशन मोड पे प्री हीटेड ओवन में इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। पहले मैंने माइक्रोवेव को 4 मिनट के लिए सेट किया है। 4 मिनट के बाद फिर से इसको मैं 5 मिनट के लिए बेक करूँगी। पूरा मैंने 12 मिनट इसको बेक किया हुआ है। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ हमारा पिज्ज़ा कैसे बना है। ये देखिए बहुत ही चीज़ी हमारा पिज्ज़ा दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अभी मैं इसको बाहर कट करके देखती हूँ।
तो ये देखिए मैं इसको नाइफ से कट कर रही हूँ, ब्रेड कटिंग नाइफ से। आप पिज्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा चीज़ी पिज्ज़ा। कितना चीज़ी लग रहा है देखिए, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस पिज्ज़ा बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना चीज़ इसमें निकल रहा है, जो चीज़ ब्रस्ट है बिल्कुल दिखाई दे रहा है इसमें। तो हमारी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टिल द एंड टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।